फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं अस्तरदार ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसके लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है और उसका अस्तर भी ले लिया है। बट ब्लाउज कट करने से पहले मुझे सबसे पहले जिसका भी ब्लाउज मुझे बनाना है उसका एक परफेक्ट नाप निकाल लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लाउज मापते हैं। ब्लाउज कट करने से पहले सबसे पहले हम ब्लाउज का माप निकालेंगे। तो ब्लाउज में हम सबसे पहले क्या मापते हैं, सबसे पहले हम चेस्ट का माप निकालेंगे। साढ़े दस इंच। अब इस साइड का भी माप हम निकाल लेंगे। इस साइड आ रहा है 11 इंच। तो जिस साइड फ्रेंड्स ज्यादा आता है उस साइड से हम कट करते हैं। चेस्ट का माप निकालने के बाद हम लेंथ का माप निकालेंगे। साढ़े 14 इंच आ रहा है फुल फिटिंग पे, तो हम कट इसको 15 इंच से करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम गले का माप निकालेंगे। ये फ्रंट गला है, फ्रंट गला है 6.5 इंच। उसके बाद फ्रेंड्स हम बैक गले का नाप निकालेंगे। तो फ्रेंड्स बैक गला है 10.5 इंच। इसको आप दो तरीके से माप सकते हो। एक तो आप डायरेक्ट यहाँ से इंची टेप रख के यहीं से निशान लगा सकते हो, यहाँ से 10.5 इंच आ रहा है। और एक ऑप्शन आप लोगों के पास और है, यहाँ से डायरेक्ट आप इंची टेप रख के इतना हिस्सा आप नाप सकते हो। यहाँ से आ रहा है 4 इंच। तो आप इसको दो तरीके से कट कर सकते हो। एक तो यहाँ से आप इंची टेप रख के निशान लगा सकते हो, दूसरा आप यहाँ से भी लगा सकते हो। यहाँ से आ रहा है 4 इंच। जब 4 इंच फ्रेंड्स हम यहाँ से छोड़ देंगे तो अब इसका माप निकाल लेंगे। ये देखिए सेम आ रहा है 10.5 इंच। उसके बाद फ्रेंड्स हम स्लिप्स का निशान लगाएंगे, स्लिप्स का माप निकालेंगे। साढ़े 9 इंच फिटिंग है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लाउज को कट करते हैं। ब्लाउज का माप ले चुके हैं, अब चलते हैं ब्लाउज को कट करते हैं। सबसे पहले हम अस्तर कट करेंगे, उसके बाद अस्तर को एक बार फोल्ड करेंगे, फिर चेस्ट का माप निकालेंगे। चेस्ट 11 इंच था तो अभी हम उतना ही कपड़ा मोड़ेंगे जितने पे 11 इंच आ जाए। उसके बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे, लेंथ के लिए हम मोड़ेंगे 15 इंच। उसके बाद फ्रेंड्स हम गले का निशान लगाएंगे, गले का निशान हम 2.5 इंच से लगाएंगे। फिर जितनी भी लंबाई आए बैक गले की, 10.5 इंच थी तो उसके बाद में हमने 10.5 इंच कर लिया, प्लस 0.5 इंच की गुलाई दे दिए। अब आरमोल का निशान लगाएंगे 6.5 इंच, उसमें भी हम 1.5 इंच की गुलाई देंगे। निशान लग चुका है फ्रेंड्स, अब हम इस कट करेंगे। अब हम फ्रेंड्स फ्रंट गले का निशान लगा रहे हैं जो कि हमने 6.5 इंच पे लगाया है। उसके बाद हम क्रॉस पट्टी का निशान लगाएंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, स्लीव्स हम कट करेंगे 10.5 इंच की। उसके बाद फ्रेंड्स हम कपड़े पे रख के अस्तर कट कर लेंगे।